हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है अभिजीत। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तजिकिस्तान की वीजा के बारे में। जी हाँ, आप घर बैठे बैठे कैसे आप तजिकिस्तान के वीजा अप्लाई कर सकते, उसी की रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। क्या क्या प्रोसीजर है और अभी क्या क्या अपडेट्स है, कोरोना के क्या अभी अपडेट्स है, हर एक चीज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप छूट जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते लैपटॉप की स्क्रीन। तो आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है तजिकिस्तान ई वीजा। उसका जो पहला जो आता है टॉप में, वो आपको वहाँ पर क्लिक करना होता है। अब क्लिक करने के बाद ये वाला होम पेज, ऑफिशियल होम पेज तजिकिस्तान का, वो आ जाता है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर वन क्लिक करके आप इस वेबसाइट में पहुँच सकते हो। तो उसके बाद क्लिक करना होगा स्टार्ट पे, मेरा स्टार्ट, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टोटल आपको तीन स्टेप रहता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। देख सकते हो ऊपर लिखा है थ्री स्टेप। सबसे पहले आता है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो इंडिया का हूँ तो ऑब्वियसली इंडिया। एंड देन एप्लीकेंट टाइप, मैं इंडिविजुअल चूज करूँगा। उसके बाद आता है जीबीयू परमिट। वैसे जीबीयू परमिट क्या होता है? जीबीयू परमिट एक ऐसा प्रोविंस है तजिकिस्तान के अंदर जहाँ पर एक डिस्प्यूट टेरिटोरी है। आप अगर वहाँ पर जाना चाहते हो तो यस कर सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो नो कर सकते हो। तो मैं ऑब्वियसली नो करूँगा क्योंकि मैं कुछ किसी की तरीके प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहता, तो मैंने नो कर दिया। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पर्पज़ ऑफ विजिट टाइप, कौन सा पर्पज़ में जा रहे हो। तो ऑब्वियसली मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ तो टूरिज्म सेलेक्ट करूँगा। देन पर्पज़ ऑफ विजिट, मैं टूरिज्म साइट सीइंग चूज़ करूँगा। देन एंट्री, आप सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री कौन सा लेना चाहते हो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंगल एंट्री चूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेंट डाटा, ठीक है। तो एप्लीकेंट डाटा में आपका जो जो आपका पर्सनल डिटेल्स है, जितने सारे आप यहाँ पर डाटा डालोगे वो आपको आज पर जो पासपोर्ट है पासपोर्ट के हिसाब से आपको डालना होता है। तो मेरा ये फर्स्ट नेम अभिजीत, मेरा मिडिल नेम कुछ नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। नेक्स्ट आते लास्ट नेम, लास्ट नेम मैंने डाल दिया। उसके बाद है जेंडर, देन मैरिटल स्टेटस जो भी उसके साथ डाल सकते हो। देन डेट ऑफ बर्थ, उसको फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है सिटी ऑफ बर्थ, कौन सा सिटी में अपने अपने जन्म लिए, ठीक है। उस सिटी का नाम वहाँ पे दे दीजिए। जो भी याद रखना गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपको यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर डाटा आप दे रहे हो वो आज पर आपको पासपोर्ट के हिसाब से देना होता है, ठीक है। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। मैं जितने सारे डाटा दे रहा हूँ मैं एक एग्जांपल के तौर से ले रहा हूँ, ना कि मेरा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपको बस जानकारी देने के लिए। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, देन फ़ोन नंबर, जो भी आपको फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर दे दीजिए। देन आ जाते रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जो रेजिडेंस है जो घर का वो एड्रेस अभी हम दे सकते हो। एंड देन आता है ईमेल का, ईमेल सही से ध्यान से देना क्योंकि जो भी ईमेल आप यहाँ पर दोगे उसी ईमेल पे आपको एक लिंक आएगा और उसी पे ही आपको ई वीज़ा आएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो ये आप सही से देना। तो मैं अपना जो ईमेल है वो यहाँ पर आपको देना होता है। देन कन्फर्म ईमेल आईडी, उसको फिर से आपको यहाँ पर देना होता है। उसके बाद आता है ग्रुप आइडेंटिफायर, इसको आपको छोड़ देना, स्किप करना है, कोई ज़रूरत नहीं उसका क्योंकि मैं पर्सनल क्योंकि मैं इंडिविजुअल जा रहा हूँ तो मुझे इस ग्रुप के कोई ज़रूरत नहीं है। देन आते हैं पासपोर्ट डाटा, ठीक है। पासपोर्ट में जो डाटा है वहाँ पर आपको देना होता है, जैसे कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मेरे पास है पासपोर्ट, मैं पासपोर्ट चूज़ करूँगा और मेरा पासपोर्ट नंबर जो भी है। उसके बाद आते हैं करेंट कंट्री ऑफ सिटीजन आज अपीयर ऑन पासपोर्ट। तो ऑब्वियसली मैं सिटीजन इंडिया का हूँ तो इंडिया ही चूज़ करूँगा। फिर आता है पासपोर्ट डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब इशू हुआ था डेट वो आपको देना होता है। देन पासपोर्ट डेट ऑफ एक्सपायरी, ओके, तो मैंने भर दिया। नेक्स्ट आता है परमिट डाटा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है परमिट डाटा। इसमें आपको डेट ऑफ अराइवल, कौन से डेट पे आप तजिकिस्तान में पहुंचना चाहते हैं वो डाटा आपको यहाँ पर देना होता है। एड्रेस इन तजिकिस्तान,
आप तजिकिस्तान में घूमने जा रहे हो, किस होटल में रहना चाहते हो, उस होटल का आप बुक बुक करके जो भी आपका होटल का एड्रेस होता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर में ले रहा हूँ दुसान पे, ठीक है। देन कन्फर्म में क्लिक कीजिए, उसके बाद इस कैप्चा को क्लिक करना है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो अगर नेक्स्ट स्टेप है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है ऑब्वियसली, और उस पासपोर्ट का 6 मंथ वैलिडिटी होना चाहिए। तो पहले चूज़ कर लेते हो, आपका जो पासपोर्ट है पासपोर्ट JPG फॉर्मेट में आपके यहाँ पर देना होता है। तो वैसे पासपोर्ट यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो इसको प्रीव्यू कर सकते हो, इस पर क्लिक करके आप पासपोर्ट को देख सकते हो। और इसके साथ साथ आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हो, ताकि आपको वीज़ा का जो रिजेक्शन चांसेस बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर अटैच करने के लिए आपको एडिशनल ऑप्शन डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर चाहे तो इसको रीनेम कर सकते हैं। सपोज आप एक होटल बुकिंग देना चाहते हो, तो आप यार सिंपली इसको रीनेम कर दीजिए होटल बुकिंग्स, एंड उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर चूज़ डॉक्यूमेंट करके, यहाँ पर चूज डॉक्यूमेंट करके उसका जो PDF फॉर्मेट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। आप चाहो तो उसका ऐसे फ्लाइट बुकिंग्स, रिटर्न फ्लाइट टिकट, सब कुछ यहाँ पर एडिशनल इसमें एडिशनल ऑप्शनल ऐड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में जाके ऐसे करके आप फिर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑलमोस्ट आपका हो गया है, तो इसमें इसमें आपको चेक करना होता है कि आपने जितने सारे डाटा आपने दिए थे कुछ गलत तो नहीं है। आप चाहो तो इसमें लास्ट फाइनल आप चेक कर सकते हो, इसके बाद आपको फाइनल प्रोसीजर होता है पेमेंट का। तो यहाँ से सही, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सही से आप चेक कर लीजिए। और आपको बता दो इसका जो प्रोसेसिंग फ़ी है, वीज़ा फ़ी है, वो है $30 यहाँ पर, और $2 इसका कमीशन आता है, ठीक है। ये रहा $30 तो आपने चेक के लिए सही से, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपको वीज़ा का पेमेंट करना होता है। तो इसमें आप सिंपली चूज़ करोगे जो भी आपका ऑब्वियसली आपका जो भी आपका कार्ड है, आपका वीज़ा है, तो वीज़ा पे क्लिक कीजिए, देन सबमिट कर दीजिए। सबमिट करके आपका जो कार्ड होल्डर नेम कार्ड सिंपली जो भी है आप इसको दे दीजिए, और एक बार आपको जो ईमेल एड्रेस है फिर से आप सही से चेक करके आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, एंड देन यहाँ पर पे पे क्लिक कर दीजिए। तो पे पे क्लिक करने के बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके मेल में एक PDF फॉर्मेट में आपको आ जाता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, मेरा ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये वाला मेरा वीज़ा है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको PDF फॉर्मेट पे आ जाते हैं, सिंपल से ही प्रोसीजर है। तो आशा करता हूँ कि सारे चीज़ें मैं आपको सही से समझा पाया हूँ। उसके बाद भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, प्लीज़ भेजिएगा, आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जरूर से आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपके साथ अलविदा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।